चलिए बात कर लेते हैं पंजाब रिपोर्ट की। पंजाब रिपोर्ट के जरिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल सूबे के हर हलके का एक एक कर ब्यौरा रख रहा है ताकि जनता अपने नेता के किए वादे और 4.5 साल बाद किए गए काम को परख सके। पंजाब रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जी यानी कि विधानसभा हलके फाजिलका के। इस हलके के लोग गंदे पानी की सप्लाई से बेहद परेशान हैं। जहां सत्ता पक्ष इस समस्या से निपटने के दावे कर रहा है, वहीं विपक्ष सरकार की कोशिशों को नकारा करार दे रहा है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फाजिलका विधानसभा क्षेत्र पंजाब सूबे का एक सीमावर्ती हलका है, जहां करीब 66 गांव पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। साल 2012 में इस हलके से सुरजीत कुमार जियाणी विधायक चुने गए। मंत्री जी का दावा है कि उन्होंने हलके में काफी विकास किया। पानी की टंकियों के निर्माण, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने, प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज और हलके में जगह जगह आरओ सिस्टम लगवाने समेत दूसरे कई विकास कार्यों को गिनवाते वो नजर आ रहे हैं। दावा करते हैं कि हलके में हुए विकास को लेकर विरोधी उनसे बहस नहीं कर सकते। किस कम की गल कर दिया, 24 घंटे लाइट रहती है और इन्ने असी ट्यूबवेल के कनैक्शन दिते हैं। कोई बंदा वांझा किसान नहीं जिन्होंने ट्यूबवेल का कनैक्शन है। कच्चिया जमीनों असं पक्कियां करती हैं। आटा दाल की जी है लोगों को घरे बैठे मिलती है, मतलब बुढ़ापा पेंशन बीमे योजना की नहीं किया। पहले तो दसे ना कोई सामने बैठे गल करे, मैं दसा तुम मेरे अगर कोई सामने बैठे गल करे मैं कहता कर नहीं सकता, विरोधी बैठ जाए। लोगों की संतुष्टि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि 100% संतुष्ट तो किसी को नहीं किया जा सकता, वो बस काम कर सकते हैं। ते कहना किसी ने कह देना या मीडिया राय गल आ जानी, मैनू नहीं लगता ठीक है। मैं नहीं कहता कि 100% सब कुछ ठीक हो जाता है। 100% ठीक कदे भी नहीं होना। जदों तक जिंदगी ने चलना है, कम ने भी आना है, कमां ने मुकना कम उदों जदों जिंदगी मुक जानी है। जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री के दावों को खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता डॉक्टर एम के रिंदवा स्वास्थ्य मंत्री के विभाग को लेकर ही उन्हें चुनौती दे रहे हैं। कहते हैं कि अस्पतालों में लोगों को सुविधाएं देने की जगह ज्यादातर मामलों में महज रेफर कर दिया जाता है। उनका कहना है कि हलके के किसानों की हालत बेहद खराब होती जा रही है। और अब आप जाके गेट पे खड़े हो जाइए और पर्ची देखोगे तो कम से कम 50% लोगों के उस पे आउटडोर स्लिप पे रेफर टू जीजीएस मेडिकल कॉलेज फरीदकोट लिखा होता है। और वहां पे जितने स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, अभी 2 सर्जन लगा रखे हैं लेकिन कोई सर्जरी नहीं हो रही है। इस स्कोप तो है, पर क्योंकि ये सारा यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आज तक चल पाई है। पहले किसी जमाने में जब कॉटन बहुत होती थी तो कॉटन फैक्ट्रियां थी, अब उसके बाद शेलर लगे, लेकिन आज दोनों की हालत बहुत ही चिंताजनक हुई है, बहुत घाटे के अंदर चल रहे हैं। मेरा ख्याल इस साल फाजिलका के अंदर 6-7 शेलर इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी गंदे पानी की सप्लाई का मुद्दा उठा रही है। पार्टी की तरफ से फाजिलका हलके से उम्मीदवार समर वीर सिंह का कहना है कि पीने का पानी इस कदर खराब है कि छोटे बच्चों पर उसका बेहद गंभीर असर हो रहा है। इसे पीने से बच्चे आंखों की रोशनी खो रहे हैं। पिंड उत्थे थोनू भी शायद थोड़े भी ध्यान च होगा, पिछे भी न्यूज रहा तेजा रफेला पिंड है, दोना नानका पिंड है, मातम राय नगर पिंड है, कई उत्थे जिहड़े आस पास पिंड है उन्होंने पिंडा दे विच जो छोटे बच्चे है तुसीं वेखो उन्होंने तीजे चौथे महीने तो उन्होंने चलना बंद कर, मतलब उन्होंने जो लिम्स है वो मुड़ने शुरू हो जाते हैं। हल्के के लोगों की विकास और सुविधाओं पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। गंदा पानी मुख्य समस्या में से एक है, पर आरओ सिस्टम लगने से कुछ राहत है। वहीं टूटी सड़कें भी बड़ा सवाल उठा रही हैं। हाँ जी इत भरना पैदा। नहीं पानी। पानी की साफ
ਪਾਣੀ ਦੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੂਟੀ ਆਉਂਦੀ ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਰ ਓ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਰ ਓ ਪਿਆ ਬੰਦ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ फाजिलका हलका भी दूसरे हलके की तरह बुनियादी समस्याओं से अछूता नहीं है जिसमें गंदे पानी की समस्या और टूटी सड़कों पर विधायक जी से जनता जरूर जवाब मांगेगी फाजिलका में भी कई नए और पुराने खिलाड़ी मैदान में कूद पड़े हैं और इस बार कौन सा खिलाड़ी जीतकर चंडीगढ़ पहुंचेगा ये फैसला हलके के लोगों ने करना है कैमरामैन अश्विनी मन्यास के साथ जगतार बुल्लर जी मीडिया फाजिलका